वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। आज हम लोग 2020 में जो जो एकेडमी का अवार्ड, जिसे हम लोग ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, वो किस किस फील्ड में किस किस को मिला, वो सबसे ज़्यादा चीज़ एक एक करके हम लोग देखेंगे। वो सब देखने से पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि एकेडमी अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड देते हैं उसके थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले कि एकेडमी अवार्ड जो होता है वो किसके जरिए प्रेजेंट किया जाता है, तो ये जो प्रेजेंट किया जाता है ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। अगर कभी फुल फॉर्म भी दे दे AMPS का तो याद रखिएगा एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, लास्ट में एस का आर्ट्स एंड साइंस है, ठीक है। मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, इसके जरिए एनुअली जो है वो एकेडमी अवार्ड जो है ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड में जो स्टैचू दिया जाता है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। जो ऑस्कर स्टैचू जो होता है ये गोल्ड प्लेट ब्रॉन्ज का बना होता है, जिसमें ब्लैक मेटल का जो बेस होता है, ठीक है, बेस में जो होता है ये जो बेस होता है और ये जो ब्रॉन्ज होता है, तो ये बेंच होता है ये ब्लैक कलर का होता है और ये जो होता है ये गोल्ड प्लेट ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। जिसमें इसका हाइट दिया हुआ है 13.5 इंच हाइट दिया हुआ, वेट दिया हुआ 3 kg का वेट होता है, और उसमें वो क्या चीज़ का वो जो चरित्र रहता है वो क्या चीज़ रहता है, वो जो इंसान के जैसा वो जो होता है वो जो मेटल होता है वो क्या रहता है, वो डिपिक्ट्स करता है नाइट ट्रेंडेड इन आर्ट डेको स्टाइल, ठीक है। वो डिपिक्ट्स अ नाइट ट्रेंडेड रहता है जो आर्ट डेको स्टाइल में क्या रहता है, होल्डिंग अ क्रूसेड सोर्ड, एक तलवार लेके खड़ा रहता है ऑन अ रील ऑफ फिल्म, ठीक है, फिल्म के रील में वो मतलब तलवार लेके खड़ा रहता है। 5 spokes रहता है उसमें, जो किस चीज़ को बारे में बताता है, एक एक्टर्स के बारे में बताता है, जो 5 spokes दूसरे राइटर्स के बारे में बताता है, तीसरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स एंड टेक्नीशियन, ये 5 जो स्पोक्स रहता है उसमें वो 5 चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करता है, एक्टर राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड टेक्नीशियन, ठीक है। अच्छा, ये जो सब अकेडमी अवार्ड जो है ये सबसे पहले कब दिया गया था, तो ये सबसे याद रखिएगा ये सबसे पहला बार जो दिया गया था ये 1929 को दिया गया था, ठीक है, यानी हमारे देश आज़ाद होने से पहले से ये जो अवार्ड चलते आ रहा है, यानी 1929 को सबसे पहला बार दिया गया था, ठीक है, 1929 को। और उस टाइम जो दिया गया था वो कौन से जगह, तो होटल रूजवेल्ट होटल में दिया गया था, ठीक है, हॉलीवुड का रूजवेल्ट होटल में दिया गया था, जिसमें 270 पीपल जो थे वहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो 2020 का जो हम लोग अवार्ड देखने जाएंगे वो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि उस वो अवार्ड किसको दिया गया, तो हम लोग देखते हैं पहला अवार्ड किसको दिया गया। तो पहला अवार्ड देखिएगा ये, अच्छा ये अवार्ड जो है 2020 का जो एकेडमी अवार्ड है जिसको हम लोग ऑस्कर के नाम से जानते हैं, ये 92 है, ठीक है, ये 92 एकेडमी अवार्ड्स है, 92, ठीक है, ये 2020 है। तो सबसे पहले जो पेस पिक्चर दिया गया है इस पिक्चर का नाम है पैरासाइट, ठीक है, ठीक, तो पी से पिक्चर और पी से पैरासाइट आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, तो पैरासाइट दिया गया। और ये जो पिक्चर है ये कोरियन पिक्चर है, ठीक है, ये कोरियन पिक्चर है, और इस पिक्चर में, इस पिक्चर को जब ये ऑस्कर अवार्ड मिला, ये एशिया का सबसे पहला मूवी है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला, और कहा यह जाता है कि कोरियन जो कंट्री है उसके फिल्म के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा कमाने वाला और सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा फेमस मूवी रहा है पैरासाइट। पैरासाइट मूवी ये है कि इसमें दो फैमिली के बारे में प्रेजेंट किया गया, एक फैमिली जो है बहुत गरीब रहती है और उसके पड़ोस में एक फैमिली जो बहुत अमीर रहता है, ठीक है। तो जो गरीब कंट्री रहता है इसमें 4 रहता है, एक मतलब 2 मियाँ बीवी रहता है, एक बेटा रहता है, एक बेटी रहता है इस मूवी में जो गरीब रहता है, और बगल में एक मशहूर मतलब बड़ा आदमी रहता है। तो ये जो गरीब आदमी होता है ये इस बड़े आदमी यानी मिस्टर पारेख बोल के ऐसे कुछ इस अमीर आदमी को जो वहाँ पर रोल किया गया है, वो गरीब आदमी चाहता है कि मैं इसकी जगह में कैसे जाऊँ। तो एक आदमी एक स्टूडेंट जो मतलब एक जो बेटा होता है कि वो बहाना मार के अब ट्यूटर बन के जाता है कि उसके मतलब ट्यूटर पढ़ाने के, जो उसके फादर होता है वो ड्राइवर बन के इसके यहाँ पे जाता है, जो उसकी यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो यहाँ पर घर के सर्वेंट बनकर जाती है, और यहाँ पे जो उसकी बेटी होती है, इसी तरह से चारों आदमी इस यहाँ पर जाके जो है किस तरीके से एंट्री ले, किस तरह से काम करे, उसके बाद में फिर इसके बाद में एक इसके नीचे घर के नीचे में एक बड़ा सा बंकर रहता है, उस बंकर में फिर किसी का मर्डर रहता है। इस तरीके से इस पिक्चर में बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही अच्छा रोमांचक तरीके से और एक कॉमेडी के तौर पर दिखाया गया है और एक थ्रिलर में दिखाया गया है, ठीक है, ऐसा थ्रिलर जिसमें कोई विलन नहीं है, ठीक है। और इस पिक्चर में ऐसा लिखा गया पेपर के अंदर में, जब मैं इस पेपर इसका आर्टिकल पढ़ रहा था द गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर में, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर आर्टिकल लिखा गया, तो बताया गया कि ये ऐसा कॉमेडी है जिसमें जो है ये नहीं है, क्लोन नहीं है, ठीक है, क्लोन नहीं है, जोकर नहीं है, और ऐसा विलन मूवी है जिसमें जो है ऐसा मतलब थ्रिलर मूवी है जिसमें विलन नहीं है,
ठीक है, ऐसा थ्रिलर मूवी है जिसमें विलन नहीं है, यानी इसमें मर्डर तो होता है लेकिन इसमें कोई विलन का जिक्र नहीं है, इसमें जो कॉमेडी तो है लेकिन इसमें कोई जोकर का रोल नहीं है, कोई क्लोन नहीं है इसके अंदर में। तो बहुत ही अच्छा से मूवी है, बहुत फेमस मूवी हुआ है कोरिया के अंदर में और बहुत पैसा भी कमाया है, और इसको जो है ऑस्कर के एशिया का पहला मूवी है जो उसने ना ऑस्कर लिया है। ठीक है, याद देखिएगा जो ये जो होता है ऑस्कर अवार्ड जो होता है उसमें एक बेस्ट फॉरेन पिक्चर दिया जाता है, यानी जो भी अवार्ड मिलता है बेस्ट मूवी वगैरह का वो अमेरिका के पिक्चर में मिलता है। ठीक है, और अलग से जो अमेरिका के बाहर जो कंट्री को जो मूवी को चूज किया जाता है उसे बेस्ट फॉरेन अवार्ड में मिला जाता है। ठीक है, बेस्ट फॉरेन अवार्ड में उसे दिया जाता है। तो इस बार बेस्ट फॉरेन अवार्ड तो नहीं मिला इसलिए कि ये तो बाहर का मूवी को जो है वो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिल जाएगा, इसलिए बेस्ट फॉरेन और बेस्ट पिक्चर जो होगा वो दोनों पैरासाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हमेशा ज्यादातर यही होता है कि जो बेस्ट मूवी होता है उसी का डायरेक्टर जो होता है उसकी को बेस्ट डायरेक्टर भी दिया जाता है। तो इसमें भी यही हुआ है कि ये जो हम लोग देखे पैरासाइट मूवी जिसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला उसी का डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर भी मिला, यानी बोंग जून हो। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से याद करिएगा कि बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो है से याद रखिएगा, बेस्ट डायरेक्टर कौन है तो है से हो जाएगा हो, और बिग बैंग थ्योरी से याद कर लीजिएगा बॉम्ब, बिग बैंग जो बिग बैंग थ्योरी है जो वर्ल्ड मतलब हम लोग का वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है, कैसा हम लोग का यूनिवर्स बना तो वो बिग बैंग थ्योरी से बना है, इसी तरह से वो बॉम्ब जॉन हो। तो याद रखिएगा इस जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, तो है से हो जाएगा हो, और किसको मिला है तो बिग बैंग को मिला है, तो बिग बैंग से हो जाएगा बॉम्ब। ठीक है, तो बोंग जून हो जो है, ठीक है, तीन वर्ड का नाम है बोंग जून हो, उसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर। और ये कौन से मूवी का लिए, कौन से मूवी का डायरेक्टर है तो पैरासाइट, और पैरासाइट कौन है तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है बेस्ट पिक्चर का। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर, ठीक है, अब देखिएगा बेस्ट एक्टर जो मिला है वो मिला है जैकविन फॉनिक्स को। ठीक है, कौन से पिक्चर के लिए, ये जोकर पिक्चर के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है, जैकविन फॉनिक्स को बेस्ट एक्टर के लिए मिला है। कौन सा मूवी के लिए मिला है, तो जोकर मूवी, याद रखिएगा। ठीक है, जोकर मूवी, अब आप इसको आप लोग जैसे भी देखें सो ट्रिक बनाकर आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जैकविन, तो बेस्ट मूवी किसको मिला है, पैरासाइट। अब बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, बोला बिग बैंग है, तो बिग बैंग से बोंग जून हो, बोंग जून हो को मिला है। ठीक है, बोंग बिग बैंग तो बोंग जून हो, और बेस्ट मूवी पैरासाइट, बेस्ट डायरेक्टर बोंग जून हो, बेस्ट एक्टर जॉकिन फाइनेंस फॉर जोकर के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस देख लेते हैं किसको मिला है, बेस्ट एक्टर मिला है रैनी जेलवेगर जूडी पिक्चर के लिए। ठीक है, रैनी जेलवेगर जूडी पिक्चर के लिए, तो आप इसे रैनी से याद कर लीजिए रानी, ठीक है, जूडी से याद कर लिए जादू, और यहां से जेड से याद कर लिए कर, तो रानी जादूगर, ये तीन वर्ड से आपको तीन चीज याद हो जाएगा, रानी तो रैनी, जादू तो मूवी अगर पूछे तो जूडी, और गर तो जेलवेगर। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, रैनी जेलवेगर जूडी को मिला है। फिर से हम लोग बेस्ट मूवी याद कर ले, बेस्ट मूवी कौन है, पैरासाइट। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला, बोंग जून हो को मिला है। ठीक है, जो कि पैरासाइट का डायरेक्टर भी है, साउथ कोरियन मूवी है बोंग जून हो। और बेस्ट एक्टर किसको मिला है, अगर वो देखिए जॉकिन फॉनिक्स, जॉकिन फॉनिक्स को मिला है बेस्ट जोकर मूवी के लिए बेस्ट एक्टर। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, रैनी जेलवेगर को, रैनी जेलवेगर को क्या मिला है, बेस्ट एक्टर। तो रानी जादू गर, रैनी जादू से जुड़ी और गर से जेलवेगर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। ठीक है, ठीक है, दो तरह का दिया जाता अवार्ड, एक तो जो बेस्ट लीडिंग एक्टर होता है, मतलब जो के मुख्य जो वहां पर जो एक्टिंग एक्टिंग का रोल करता है, इज बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, यानी एक्टर के जो दोस्त वगैरह होता है, ठीक है, जो वहां पर जैसे एक होता है मेन हीरो, और हीरो का एक जो दोस्त होता है, तो वो दोस्त को हम लोग सपोर्टिंग रोल में भी एक दिया जाता है। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल जो दिया हुआ है वो दिया है ब्रैड पिट को, कौन सा मूवी करिए, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई है, इस तरीके से टू पिक्चर है इमरान हाशमी के शायद, और इसी तरह से वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड किसको मिला, एक्टर का नाम है ब्रैड पिट। ठीक है, ब्रैड पिट, तो अगर बेस्ट एक्टर बोला जाए तो कौन हो जाएगा, जैकविन फेनिक्स हो जाएगा। बेस्ट एक्ट्रेस बोला जाए तो कौन हो जाएगा, रानी, रैनी जेलवेगर, कौन सा मूवी के लिए, जूडी मूवी के लिए।
ठीक है, जादू से। और जैकन फेनिक्स को कौन सा मूवी के लिए मिला है? जोकर से मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिला है? ब्रैड पिट को मिला है। कौन सा मूवी के लिए? वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। बेस्ट मूवी किसको मिला है? पैरासाइट मिला है। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? बोंग जून हो। ठीक है, बिग बैंग से याद रखिएगा, बोंग जून हो को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस, जिस तरह से एक्टर का एक दोस्त होता है जिसको हम लोग एक्टिंग सपोर्टिंग रोल होते हैं, इसी तरह एक्ट्रेस का भी जो दोस्त वगैरह होता है, जो वहाँ पर मुख्य हीरोइन नहीं होती है, वो सपोर्टिंग रहती है, हीरोइन जो सपोर्टिंग रोल में होती है, जो उसके दोस्त वगैरह का किरदार अदा करती है, वो होती है सपोर्टिंग रोल में। इसी तरह बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला है वो मिला है लॉरा डर्न को मिला है। ठीक है, मूवी का नाम हो जाएगा तो मैरिज स्टोरी के लिए मिला है। तो बेस्ट एक्टर जो सपोर्टिंग रोल, जिससे हम लोग पहले स्लाइड में देखे क्या था, ब्रैड पीट था, कौन सा मूवी के लिए, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। बेस्ट एक्टर का अगर नाम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, जैकविन फेनिक्स, मूवी का नाम हो जाएगा जोकर। और अगर बेस्ट एक्ट्रेस का नाम पूछा जाए तो रेनी जेलवेगर, कौन सा मूवी के लिए, जूडी के लिए। ठीक है, जो रानी जादूगर हम लोग याद किए, रानी जादूगर, रानी से रूनी हो जाएगा, जादू से जूडी हो जाएगा, और गढ़। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल। आगे देख लेते हैं हम लोग बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनता है, यानी एक पिक्चर ऐसा होता है जो कोई डॉक्यूमेंट पे मतलब बेस होता है, यानी जो फैक्ट पे बेस होता है। ठीक है, जो किसी तरह का दुर्घटना हो चुका हो, किसी तरह का फैक्ट हो, किसी तरह का कोई हादसा हुआ हो, उसके ऊपर में फिल्म बनता है। और ये जो फिल्म का नाम है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर, ये है अमेरिकन फैक्ट्री। और ये जो अमेरिकन फैक्ट्री जो है, इसे नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया था। ठीक है, नेटफ्लिक्स एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि किसी सिनेमा वो पर्दे में वो मूवी नहीं दिखाया जाता, बल्कि एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो सब्सक्राइबर होता है वो सब्सक्राइब करता है, जो पैसा देकर एक महीने के लिए 500 600 जो भी एक तरह का, और वो उसके उस प्लेटफॉर्म में वो अपना मूवी रिलीज करता है और वहाँ पर सारा जो है सब्सक्राइबर वो देख सकते हैं। इसी तरह से अमेरिकन वो जो नेटफ्लिक्स यही तरह का करके अपना वो अपना सर्विस करता है, वहाँ सर्विस से अपना मनी देता है, वो किसी तरह का जो है सिनेमा वो पर्दा के अंदर में मूवी रिलीज नहीं करता है। तो इसी तरह से ये नेटफ्लिक्स उसको रिलीज किया, इसका नाम है अमेरिकन फैक्ट्री। इसमें क्या दिखाया है कि इसमें अमेरिका और चाइनीज का जो वर्कर है वो दोनों के दरमियान में कोऑपरेट दिखाया, किस तरीके से वो लोग ट्रेड करते हैं, किस तरीके से आना जाना सामान का लेन देन, इस तरीके से वहाँ पर बहुत ही अच्छे से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा लगेगा अमेरिकन फैक्ट्री। और सबसे बड़ी बात है कि इस अमेरिकन फैक्ट्री को प्रोड्यूस किया है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, अमेरिका के, उसका नाम है बराक ओबामा, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, और उसकी वाइफ मिशेल ओबामा, इसकी भी फोटो आप देख सकते हैं, ये दोनों ने इसको प्रोड्यूस किया। ठीक है, इसको प्रोड्यूस किया क्योंकि अमेरिकन फैक्ट्री जो है जब बराक ओबामा जब वहाँ प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के, तो उस वक्त के अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप, वहाँ के वर्कर्स का रिलेशनशिप, ठीक है, FDI का किस तरह से फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के वर्कर्स यहाँ पर आके काम किया करते थे, वो सारे चीज़ को इस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है एनिमेटेड मूवी, ठीक है, एनिमेटेड शॉर्ट मूवी, यानी एनिमेशन के तौर पर दिखाया गया, ठीक है, एनिमेशन मतलब एक कार्टून, एनिमेशन कार्टून के तौर पर जो मूवी दिखाया जाता है उसको एनिमेटेड शॉर्ट एनिमेटेड मूवी देते हैं। तो ये भी एक तरह का एनिमेटेड मूवी भी जो है ऑस्कर मिला है। और ये कौन सा पिक्चर को मिला, हेयर लव, यानी किस तरीके से जो है यहाँ पर एक बच्ची अपने हेयर से लव करती है, देखिए इसकी हेयर कितना डेंसिटी वाला हेयर है और कितना बड़ा हेयर है। तो इस तरीके से ये मूवी जो है हेयर लव जो है वो जो है एनिमेटेड में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इस तरीके से आपके सामने में ये सारा अवार्ड आप लोग को बताया गया ऑस्कर में, मतलब उसी वही सब अवार्ड को बताया गया इसमें वीडियो में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो एग्ज़ाम में आता है। ऐसा कि बहुत सारे कैटेगरी है लेकिन सारा कैटेगरी को हमने इस वीडियो में नहीं बताया। तो एक तरह से फिर से हम लोग अगर रिविज़न कर सकते हैं तो रिविज़न करते हैं। बेस्ट मूवी का अगर नाम पूछा जाए तो पैरासाइट हो जाएगा। बेस्ट डायरेक्टर का नाम पूछा जाए तो बिग बैंग से बोंग जोन हो जाएगा। बेस्ट अगर एक्टर का नाम पूछा जाए तो बेस्ट एक्टर का नाम जोक्विन फेनिक्स, कौन सा मूवी के लिए, जोकर मूवी के लिए हम लोग देखे थे, ठीक है। बेस्ट अगर हम लोग एक्ट्रेस का नाम पूछा जाए तो हम लोग देखे थे रानी जादूगर, तो रानी से रेनी जेल वेगर, कौन सा मूवी के लिए, जूडी मूवी के लिए, ठीक है। अगर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर देखा जाए
तो ब्रैड पिट कौन से मूवी के लिए, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। बेस्ट अगर एक्ट्रेस देखा जाए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अगर देखा जाए तो कौन सा था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो ब्रैड पिट था। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस देख लेते हैं कौन सा था, लॉरा डन जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस था। तो ये वाला था, ठीक है, लॉरा डन। तो इस तरीके से बेस्ट एनिमेटेड देख लो हम लोग हेयर लव होगा एनिमेटेड मूवी में, और हम लोग बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में देखे अमेरिकन फैक्ट्री जो बराक ओबामा मिशेल ओबामा का था, अमेरिकन फैक्ट्री किसमें डॉक्यूमेंट्री में, और एनिमेटेड में हेयर लव, ठीक है अपना हेयर लव। तो इस तरीके से कुछ कैटेगरी में आप लोग को बताया गया। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।